हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल तनिष्का फैशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप मेज़रमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हम 4 फोल्ड में तय कर देंगे। ये देखिए, 4 तय हो चुकी है, इधर बन साइड, इधर बन साइड। अभी हम इसका मेज़र कर लेंगे, 36 इंच लंबाई लेके निशान लगा लेंगे। अब हम इसका तीरे का निशान लगा लेते हैं 7 इंच, और 7 इंच हम आर्म होल की गुलाई के लिए निशान लगा लेंगे। अब बाजू भी हम रखेंगे तो 5 इंच हम बाजू की लंबाई ले लेंगे। यहाँ से 7 इंच लेके निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, 36 का 4th हिस्सा, 9 में 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। कंधे से कमर 14 इंच, कमर का निशान लगाएंगे, 30 इंच कमर है, 7.5 4th हिस्सा आया, ये हम मार्क कर देंगे। 2 इंच यहाँ से लेके इसे भी मार्क कर देंगे और हल्की सी गुलाई दे देंगे ये बाजू के लिए। अब हम जो निशान लगाए थे, हम फ्रिल लगाएंगे तो इसमें 5 इंच की, तो हम 4 इंच लेके निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम सिलाई में चला जाएगा। 4 इंच लेके हमने निशान लगा दिया है। अब इसको हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। ये इसको मार्क कर देंगे, दूसरी लाइन को भी। ये हल्की सी गुलाई दे देंगे जिससे हमारे कॉर्नर लटके हुए ना आए। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। अब इसकी हम हल्की सी ये गोलाई भी कट कर देंगे। अब गले के निशान लगा लेते हैं, 3 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई, ये लेकर हम निशान लगाएंगे और गोलाई कर देंगे। अब इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आ गया है। अब इसकी हम फ्रिल काटेंगे, तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसमें हम फ्रिल काटेंगे। ये हम डबल करके 4 तह में रख देंगे। अब 5 इंच के हम निशान लगाएंगे, 5 5 लेके हम सीधा निशान लगाएंगे। 2 फ्रिल काट लेते हैं, अभी सीधा निशान लगा के हम मार्क कर देंगे। ये देखिए, 4 तह इधर हो चुकी। अब इसको हम कट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, गले पे पट्टी आ जाएगी, यहाँ फ्रिल आ जाएगी, और ये बेल्ट आ जाएगी, नीचे फ्रिल आ जाएगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम गले के लिए सबसे पहले गले में पट्टी लगाएंगे। तो इसके मैं काट चुकी हूँ, इसको हम सिलते हुए ले जाएंगे राउंड शेप में। अब इसको हम ऊपर को कपड़ा फोल्ड करते हुए आधा दबाते हुए सिलते हुए ले जाएंगे। पूरी राउंड शेप में हम इसी तरह सिल देंगे। अब इस पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। ये हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, पट्टी इस तरीके से आ गई है। अब हम इसकी स्लिप्स तैयार कर लेते हैं। स्लिप्स पे हम फ्रिल लगाएंगे।
ये जो फ्रिल हमने काटी थी इसको हम छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए सिलते हुए ले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब इस पे हम बैठाने वाली सिलाई लगा देते हैं। ऐसे हम दूसरी साइड कर लेंगे। इसमें भी हम छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और बैठाने वाली सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको साइड से फिटिंग करते हुए ले जाएंगे, इस तरीके से मार्क करके अब सिलते हुए ले जाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी निशान लगा के सिल लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए, अब हम नीचे घेरे में फ्रिल लगा लेते हैं। इसको भी हम छोटे छोटे चुन्नटे डालते हुए पूरा घेर राउंड शेप में सिल लेंगे। बाकी हम नीचे पीको करवा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके इस तरीके से ड्रेस तैयार हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।